हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। वो देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, फिर लूटते हैं देश को दंगे करवाते हैं, फिर लूटते हैं देश को दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, जब भी गुजरात आया हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर देश के दुश्मनों के बीच में भी हूँ और बहुत करीबी दोस्तों के साथ भी हूँ, और इसलिए हमेशा मिक्स फीलिंग के साथ ही वापस भी जाता हूँ। आपने हमारे तरफ एक्सपोर्ट कर दिया है कुछ लोगों को यहाँ से, तो इसलिए गुजरात आना अब बहुत अच्छा लगने लगा है। दोस्तों, सारी बातें हो चुकी, आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं और मेरे दोस्तों ने कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से देश के हालात को आपके सामने रखा है। मैं एक ऐसी भयंकर चीज़ की तरफ आपकी नज़र चाहता हूँ कि डाली जाए, जो देश के साथ हो रही है और उसकी किसी को कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। मीडिया तो बहुत सारी चीज़ों को ब्लैकआउट करने के ऊपर तुला हुआ है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कुछ हो रहा है और जो इस बीच में हुआ है उसके ऊपर हम में से बहुत कम की नजर है। एक आदमी जेल में है, वो एक किताब लिख रहा है, वो पॉलिटिशियन है, देश में पूरी उथल पुथल है, अभी देश आज़ाद होने वाला है, और वो इतिहास की हिस्ट्री की किताब लिख रहा है, और इस पॉलिटिशियन की लिखी हुई वो किताब आज भी हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री पर बेहतरीन किताबों में मानी जाती है। ये एक अपने अंदर अद्भुत बात है, लेकिन उससे ज्यादा अद्भुत बात यह है कि ये पॉलिटिशियन जो हर तरफ से घिरा हुआ है, वो उस किताब में एक छोटे से चैप्टर के एक छोटे से हिस्से में 12-15 पेज में साइंटिफिक टेंपर की बात करता है। सोचिए, देश पूरी तरह से अंग्रेजों ने आखिरी कतरा तक चूस लिया है, बुरे हाल में है, दंगे हो रहे हैं मुल्क के अंदर, टूट फूट मची हुई है, और उस वक्त वो एक किताब लिखता है जिसमें 10-15 पेज वो बात करता है साइंटिफिक टेंपर की। देश आज़ाद होता है, 30% से कम है लिटरेसी लेवल, भूखा है देश, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है। हमसे पिछली जनरेशन के जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, मेरी जनरेशन के जो दोस्त बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद है कि किस तरह हम गेहूं, चावल, दाल, चीनी, तेल लेने के लिए लाइनों में खड़े होते थे अपने बचपने में। और उस वक्त पूरे देश के अंदर वो आदमी और बहुत सारे उसके साथी घूम घूम करके साइंटिफिक टेंपर की बात कर रहे हैं। वो पहला प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई जरूरत नहीं थी साइंटिफिक टेंपर पे बात करने की, पर वो जहां जाता है वहां उस गरीब दबी कुचली बुरी हाल में जो जनता है उससे वो साइंटिफिक टेंपर की बात करता है। क्या ये पॉलिटिशियन साइंटिफिक टेंपर की जब बात कर रहा है तो ये उसकी अकेली सोच? ऐसा नहीं। ये पिछले 100 साल का जो हमारे देश में इतिहास था साइंटिफिक टेंपर की पूरी डिबेट का, उसका वो 10 पेज निचोड़ है। हमारे सारे बड़े साइंटिस्टों ने कहीं ना कहीं, जेसी बोस से लेकर के
और सी वी रमन तक, कहीं ना कहीं इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया है और इसको करीब लाए हैं वो हमारे देश की जो स्वतंत्र संग्राम था उसके, और तब ये हिस्सा बन गया था हमारे उस मूवमेंट का जो दुनिया का शायद सबसे बड़ा आजादी का मूवमेंट था। देश आजाद होता है, बुरे हाल में है जैसा मैंने कहा, और उस वक्त हम अपनी कमर कसते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस देश के आधार जो होगा, आगे आने वाले वक्तों का जो आधार होगा, हम जो ख्वाब देख रहे हैं उनका जो आधार होगा, वो देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, विज्ञान होगा, और हम दुनिया का बेहतरीन विज्ञान करने की कोशिश करेंगे। भाभा लेटर लिखते हैं टाटा को और साथ ही में कई पॉलिटिशियंस को जिनमें नेहरू उनके बहुत करीब थे, और उसमें कहते हैं कि जब देश आजाद होगा तो हमें बहुत सारे साइंस वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी इस देश के डेवलपमेंट के लिए, और तब हम जो एक रुपया था जो शायद खर्च करना चाहिए था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खर्च करना चाहिए हमको अपनी गरीब जनता की गरीबी मिटाने के लिए, उनका नहीं, हमको अपने देश के अंदर विज्ञान के लिए बचा करके रखना होगा पैसे। अगले 10 साल में CSIR के 23 इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, देश भर में जगह जगह, बिना ये सोचे हुए कि कहां से किसको वोट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कहां गरीबी ज्यादा है, कहां अमीरी ज्यादा है, हमने पूरे देश में एक लंबी चेन बनाई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की। और तब वहां से निकला डेवलपमेंट इस देश का। हम यहां बैठे हुए हैं आज और इस तरह के एक हॉल के अंदर बातचीत कर रहे हैं, ये उसी वक्त की देन है, ये उसी सोच की देन है, वरना हमारा भी हाल किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री का या जैसा अफ्रीकन कंट्रीज में है ऐसा होता। हमने अपनी कर्म कसी थी और कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान करेंगी हमको और कर रही हैं, लेकिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसके लिए जरूरी था कि हमारे देश की जनता कन्विंस्ड हो कि हमारा दृष्टिकोण साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक होगा। पर दूसरी तरफ दोस्तों, वो भी पल रहे थे जो बाबाओं की छत्र छाया में थे। एक तरफ ये पॉलिटिशियंस हैं जिनकी दोस्ती है हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमाग के साथ, दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं, जेडी बर्नाल से लेकर के आइंस्टाइन तक इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे आजाद हो, ये सारे लोग। और तब हमने कहा था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आधार बताएंगे, बेहतरीन देश का दिमाग, चाहे वो अपने कलम के बलबूते पर हो, चाहे वो साइंस के बलबूते पर हो, चाहे वो म्यूजिक, आर्ट, फिल्म, ये सारे लोग इकट्ठा थे हमारे पॉलिटिशियंस के चारों तरफ। पर जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा भी गुट था जो उनके साथ पल रहा था, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ आपके यहां से भी निकले हुए लोग हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वाजपेयी जी से लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री तक एक बाबा के साथ नाच भी रहे हैं, उसके पैर भी छू रहे हैं, और वो आज जेल में है, और वो भी बलात्कार के जुर्म में, और इनमें से किसी एक ने भी इस देश से माफी नहीं मांगी है कि हमने ऐसा किया था। आपको यह भी मालूम होगा कि दूसरा भी था, वो हरियाणा से उठाया गया, और उसके यहां सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा था, बलात्कार तो हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत सारा असलहा, बहुत सारे आर्म्स इकट्ठा कर रखे थे जिसके लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ा। इनकी संगत में
पले बढ़े लोग आज सत्ता में हैं, और जब प्रधानमंत्री सत्ता में आते हैं तो उसके एक महीने के अंदर हमारे यहां के वैज्ञानिकों के बीच में बात करते हुए कहते हैं, आपको याद है कि उन्होंने क्या कहा था? गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का, तो अगर वो प्लास्टिक सर्जरी थी तो मेरे दोस्त यहां एक बैठे हुए हैं जो सर्जरी ही करते हैं, वो ये बता सकते हैं कि इस आदमी को प्लास्टिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट का फर्क नहीं पता। और खाली यही नहीं, उसके जो स्पीच राइटर है उन्हें भी नहीं पता। तो संगत वही है, जब उस संगत से निकले होंगे तो फिर यही कहेंगे। जब शाखा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ी होगी अगर, और बड़े फख्र से कोई ये कहेगा कि दसवां भी पास नहीं किया है मैंने टेलीविजन डिबेट में, तो फिर यही करेगा। पर यह बहुत खतरनाक बात है दोस्तों, अगर कोई यहां बैठा हुआ मेरे जैसा आदमी इस तरह की बात करे तो आप उसे पागल करार दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये दिमाग फिर गया है, वो विकास को क्या हुआ था, कुछ विकास कुछ कुछ हो गया। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि पागल हो गया। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री ये बात कहता है तब फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर ये एक मैसेज है डाउन द लाइन के अब आने वाले वक्तों में ये देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे नहीं चलेगा, और यही हमने लगातार देखा है। उसके बाद एक ऐसा सैलाब आया कि जिसमें मिनिस्टर ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें एवोल्यूशन पे यकीन नहीं है, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। एक जज ने यह कहा कि गाय जो है वो इनहेल और एक्सहेल करती है ऑक्सीजन को, पर जिसे साइंस पे हमला करना हो उसकी ये पॉलिटिक्स होगी, वो यही बताएगा देश में, वो इरेशनैलिटी की सारी सीमाओं को क्रॉस कर लेगा जो हम इस बीच में देख रहे हैं। पर अगर यही मामला रुक जाता तो शायद हम इसको बदल सकते थे आसानी से। अभी अगर आपको एक खतरनाक न्यूज नहीं मिली है या आपकी नजर नहीं पड़ी है तो उसको फिर से सुन लीजिए। हमारे यहां का सबसे बेहतरीन फिजिक्स और फंडामेंटल साइंसेस का इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था, और अभी 3 दिन पहले यह खबर आई है कि उस इंस्टीट्यूट के पास अपने साइंटिस्ट को, अपने स्टाफ को, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो यहां पहुंचा दिया है इस सरकार ने तो इस सरकार के ऊपर लानत है। ये वो इंस्टीट्यूट था जिससे हमारा सारी दुनिया के अंदर नाम था, पर ये बात आपके सामने आ गई। जो नहीं आया वो ये कि अगर सैलरी के लिए पैसे नहीं है, तो मैं CSIR में काम करता था, इसका मतलब यह है ना जाने कब से रिसर्च के लिए पैसे नहीं है। CSIR का इन 4 सालों में आउटपुट दुनिया के जो अच्छे जर्नल्स थे उसमें 1,000 के दर से हर साल कम हुआ है, और यह मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे देश का आउटपुट घट के वहां पहुंच गया है जहां हम 2002 में थे। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट कुछ करते रहते हैं, एक तरफ पड़े रहते हैं, करने दो उनको, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बहुत सारे और मसले मौजूद हैं जो हमारे सारे साथियों ने रखे। लेकिन इनमें से हर मसला जो आपके सामने अभी तक रखा गया है उसका रिवर्सल 2-3-4 साल में पॉसिबल है। हमें इसरो बिल्ड करने में, हमें दुनिया के साथ उन साइंसेज में खड़े होने में जिनमें खास तौर से हम सबको मालूम है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमने एक्सेलेंट काम किया है, हमने स्पेस साइंसेज में एक्सेलेंट काम किया है, हम दुनिया के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं, इसमें हमें 70 साल लगे हैं दोस्तों।
70 साल का इन्वेस्टमेंट है मॉनेटरी भी और ह्यूमन रिसोर्सेज में, तब हम पहुंचे हैं वहां तक जहां हम दुनिया के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि हम भी उतनी ही डेवलपमेंट की स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं जितने बाकी लोगों ने किया है। ये 70 साल का लैग पीरियड है। आज जिस तरह से ये तहस नहस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसका असर अगले आने वाली कम से कम 5 जेनरेशंस भुगतेंगी। ये खतरा और खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा है, बाकी सब में हम रिवर्सल कर सकते हैं, इसमें कोई रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर हमारे पास CSIR नहीं बचता, IARI नहीं बचता, इसरो नहीं बचता, एटॉमिक एनर्जी नहीं बचता, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे, हम गीतों से नारों से आवाज उठाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद।